हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैंने बताया है आपको कि जो पोंचा है, बहुत से व्यूवर्स हैं हमारे जिनको जो पोंचा है इसकी सिलाई, जब आप इसको तैयार कर लेती हो तो इसकी सिलाई आपको नहीं लगानी आती है। जो इसकी सिलाई है वो किस तरह से लगाते हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। जैसे जो पोंचा बनकर रेडी है हमारे पास, तो अभी हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। यह यहाँ से जो हम सिलाई लगाते हैं वो किस तरह से सिलाई लगानी है उसके बारे में आज आपको मैं अच्छी तरह बताऊंगी। इस तरह से आप सिलाई लगाओगे तो आपका जो पोंचा है अच्छे से सेट बैठेगा। कई बार क्या होता है कि ये अगर हमारी सिलाई अगर अच्छे से नहीं लगी हुई तो इससे जो सलवार है हमारी, जो मूरी है इसकी, तो घूमती रहती है, अच्छे से सेट नहीं हो पाती जो हमारी सलवार है। अगर आप इस तरह से जो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से सिलाई लगाओगे तो आपका जो पोंचा है अच्छे से सेट बैठेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इसमें। जैसे हमने यहाँ से जो पोंचा है वो हमने 6 इंच रखना है। यहाँ से हम 6 इंच ले रहे हैं पोंचे को, ये देखिए जहाँ से हम 6 इंच रख रहे हैं पोंचे को, तो अभी हमने ऊपर से कितना रखना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो पोंचे की जब भी सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही ज़रूरी बात होती है कि जहाँ से भी आपने पोंचे को कितना रखना है, कितना रखकर फिर सिलाई लगानी है। ज़्यादातर हम सिलाई को इस तरह से, जहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है पोंचे पर। जब भी आप पोंचे की सिलाई लगाओगे तो आपने पहले जहाँ से नापना है, जैसे ये 6 इंच पोंचा रखा हुआ है मैंने यहाँ से, तो आपने जहाँ से भी नाप कर अच्छे से फिर सिलाई लगानी है। जहाँ से ज़्यादा गैप नहीं रखना है आपने, ज़्यादा पोंचा है जो नहीं छोड़ना है यहाँ से। तो इस तरह आपने अभी सिलाई लगानी है। 6 इंच मैंने बताया है आपको यहाँ से पोंचा रखा है, तो अभी हमने यहाँ से कितना रखना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो इस यहाँ से जब भी आप सिलाई लगाओगे तो आपने जितना भी आपने जहाँ से रखा है तो उससे आपने 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच, बस इतना ही ज़्यादा गैप रखना है। ज़्यादा गैप नहीं रखना है, कोई 8-9 इंच का कोई गैप नहीं रखना है आपने। जैसे मैंने जहाँ से 6 रखा है तो हम जहाँ से 7.5 या फिर 7.5, बस इतना ही रखेंगे यहाँ से, जहाँ तक हमारे पोंचे की सिलाई आएगी। हमने यहाँ तक नहीं बिल्कुल भी सिलाई लेके आनी है। अगर हम जहाँ तक सिलाई लेके आएंगे तो हमारा, जब भी आप सलवार पहनते हो तो जहाँ से इस तरह से पोंचा है बार को इस तरह से, जिस साइड पे जहाँ से इस तरह पोंचा जो है हमारा खड़ा रहता है, तो इस तरह से खड़ा नहीं रहना चाहिए हमारा पोंचा। तो इसके लिए आपने यहाँ से कम गैप रखना है, जैसे कि मैंने 7.5 रखा है। तो हमने अभी इस तरह से, आप पहले निशान लगाकर, ये देखिए इस तरह से निशान लगाकर फिर आप सिलाई लगाना है। अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग में हमने देखना है कि बिल्कुल जो हमारा पोंचा है अच्छे से दोनों एक साथ रखे होने चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर नीचे पोंचा हमारा नहीं होना चाहिए। पोंचा जो हमारा बिल्कुल इस तरह से रखा होना चाहिए। अभी हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं इसकी। पहले हम जहाँ से डबल कर लेंगे सिलाई हमारी, इस तरह से हमने डबल कर लेनी है सिलाई। बस जहाँ तक हमने इसकी सिलाई लेके आनी है, दूर तक सिलाई नहीं लेके जानी है हमने। जहाँ तक मैंने आपको बताया वहीं तक हमारी सिलाई जो है आनी चाहिए। अभी हम जहाँ पे सलवार की ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेंगे। जब भी हम सलवार की सिलाई लगाते हैं तो हम कपड़ा थोड़ा सा जहाँ से खींच के फिर सिलाई लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम ये सिलाई लगाते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं जैसे कि रेब लीर होती है, तो उसी तरह जो हमारी ये सलवार है जहाँ से रेब बन जाती है, तो इसकी जब भी हम सिलाई लगाएं तो थोड़ा सा जहाँ से खींच कर कपड़े को फिर सिलाई लगाते हैं इस तरह से।
यहाँ से इस तरह से हम पहले इसको खींचते हैं कपड़े को, थोड़ा सा खींचना है आपने, ज़्यादा नहीं खींचना है। तो इस तरह से थोड़ा सा खींच कर आपने फिर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपने सलवार का पोंचा इसकी सिलाई लगानी है।